हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप एवरीथिंग इज फाइन। तो टुडेज टॉपिक इज वेरी हॉट, मतलब बेसिकली काफी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नाउ कैन वी गेट ड्रोन्स फ्रॉम चाइनीज और बाहर की जो साइट्स हैं, लाइक जैसे बैंगूड होगी, अली एक्सप्रेस हो गया, वहाँ से मंगा सकते हैं या नहीं, या कुछ नए जैसे ड्रोन कल मैंने आपको दिया था टैक्टिक एयर ड्रोन, जो आपको बिगिनर ड्रोन कह रहे थे कि वो भी मुझे पता लगा है कि सीधा फ्री शिपिंग करते हैं। तो इस बारे में आपको इसमें पता लगेगा कि अब क्या स्टेटस है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो अगर आप नए इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम देते हैं आपको ड्रोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द रिस्पॉन्स एंड द पॉजिटिव कमेंट्स यू आर गिविंग, आई रियली अप्रिशिएट दैट। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो ज़रूर, इससे यूट्यूब हमें रिवॉर्ड देता है एंड सर्कुलेट आवर वीडियो टू मोर इंटरेस्टेड पीपल। तो अगर आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि यस, अच्छा कंटेंट बना है, तो वो आगे और लोगों को दिखाता है, इससे व्यूज़ बढ़ते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। नाउ स्टार्टिंग द कंटेंट। अब एट प्रेजेंट क्या हो रहा है कि काफ़ी मेरे पास ईमेल्स या कमेंट्स में आपने भी पढ़ा होगा, वो ऐसे आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं हमने JJRC का मैंने बैंगलोर से ऑर्डर किया, मेरे पास सेफली पहुँच गया। कल ही मैंने वीडियो रिलीज़ किया और एक दो के कमेंट्स मुझे आए लोगों के, हमने भी ऑर्डर किया हुआ है वहाँ से, और एक बंदे ने तो कहा मेरा कल डिलीवर होने वाला है और फिर मैं आपको बताऊंगा उसकी फीडबैक। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि कस्टम्स, क्या अब कस्टम्स थोड़े ढीले हो गए हैं, क्या अब ड्रोन्स को अलाउ किया जा रहा है, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। मेरे मन में भी आया था, फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा पूछताछ की कि अब क्या स्टेटस है, क्या आप बाहर की जो साइट्स हैं वहाँ से ड्रोन मंगा सकते हैं या नहीं मंगा सकते, क्या स्टेटस है, आप क्या है फंडा उसका। तो उसका जवाब जो है वो ये है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अभी भी ड्रोन जो है कॉन्फिस्टिकेट हो सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्ट के ऊपर जो परमिशन वाला फंडा तो वही है कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, वो जब परमिशन मिलेगी तब तो सब कुछ लीगल है, वो अभी टाइम लगेगा। अब दूसरा, ये जो चीज़ें हो रही हैं कि डिलीवरी हो रही है, तो वो इस तरह हो रहा है कि टॉय ड्रोन्स जो हैं वो कई बार अब जिन सबसे पहले तो सबसे सेफेस्ट वो हैं जिनमें कैमरा नहीं है। जिन ड्रोन्स में कैमरा नहीं है वो बिल्कुल लोअर एंड के जैसे आते हैं, 3,000-4,000 जो, उनको मैं टॉय ड्रोन्स ही बोलूँगा, नैनो भी नहीं बोलूँगा, उनमें कोई कैमरा नहीं है। इवन 720 या 480 वाला भी कैमरा उनमें नहीं लगा, तो वो सबसे सेफेस्ट है मंगाने। तो अगर आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट दिखता है वहाँ पर जिसमें कैमरा नहीं है और ड्रोन है, मतलब एक तरह से वो टॉय है, एक तरह से क्वाडकॉप्टर है, टॉय, क्वाडकॉप्टर टॉय कहूँगा उसको मैं, तो वो आप मंगा लेंगे, तो वो काफ़ी लोगों का मेरे पास रिस्पांस आया कि सेफली उनके पास पहुँच गया है। तो ये होगी पहली बात कि सेफेस्ट अब जो लग रहा है, पर ये 100% नहीं है। अब ये जो स्टैट्स आए मेरे पास, काफ़ी मैंने कैलकुलेशन करी है, उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। आप ये मत कहिए कि अगर आपका फंस गया तो मैंने ड्रोन टक डॉक्टर ने बोला कि ले लो तो धड़ाक, मैं आपको स्टैट्स के बेस पे बता रहा हूँ जितने मेरे पास रिस्पांस आते हैं कि मेरा सेफ पहुँच गया, मेरा सेफ नहीं पहुँचा, कौन सा सेफ पहुँचा, विदाउट कैमरे वाला सेफ पहुँचा। तो जो मेरे पास जो ईमेल्स आ रही हैं, जो मेरे पास रिस्पांस आ रहे हैं लोगों के, वो उनके सबसे ज़्यादा है नंबर वन पे कि जो क्वाडकॉप्टर खरीद रहे हैं बाहर के साइड से, बैंगलोर से, अली एक्सप्रेस से, जिससे मर्जी खरीद रहे हैं, वो उनके पहुँच रहे हैं उनके पास सेफली और सस्ते हैं, $70-80 से नीचे के हैं, तो इसलिए कस्टम ड्यूटी भी कोई नहीं लग रही है और सेफली एज ए टॉय वो उनके पास पहुंच रहे हैं। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि नंबर वन पे जो सेफली चीज़ बाहर से आ रही है इस कैटेगरी की, वो है क्वाडकॉप्टर्स विदाउट कैमरा। अब नंबर दो पे वो ड्रोन्स हैं जो नैनो कैटेगरी में आते हैं लेकिन बिगिनर लेवल के हैं, मीन 720 का कैमरा, उसमें 720p का कैमरा लगा हुआ है। वो रिस्पॉन्स आपको बताता हूँ क्या है परसेंटेज, वो एट प्रेजेंट पहले थी 50-50, तो जैसे दो कमेंट्स आते थे मेरे पास नहीं पहुँचा, दो कमेंट्स मेरे पास आते थे पहुँच गया। अब जो सिचुएशन आ गई है, अब मैं कह सकता हूँ कि अब है 60-40, मतलब 60% लोगों का डिलीवर हो रहा है, 40% का डिलीवर नहीं हो रहा, कॉन्फिस्टिकेट हो रहा है, मतलब रिस्क है अभी भी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप धड़धड़ले से, मैं आपको बस स्टैट्स बता रहा हूँ जो रिस्पांस मेरे पास आ रहा है। तो उस रिस्पांस के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि अब जो बिगिनर ड्रोन्स हैं वो 60% तक लोगों तक पहुँच रहे हैं और
ये लक की बात है कि आप अगर 40% की कैटेगरी में आते हो या 60% में, अगर वहाँ पे कोई विजिलेंट, क्योंकि रीजन क्या है, रोज चाइना से अराउंड 2 से 2.5 लाख के बीच मतलब ऐसे पार्सल आते हैं। अब इन हर एक पार्सल को स्कैन करना और उसको देखना उसमें क्या चीज़ है, और इट्स वेरी डिफिकल्ट। और ये मैं एक जगह की बात बता रहा हूँ कि ऐसे मतलब कितने एयरपोर्ट्स पे आता होगा आप लगा लो, तो उस चीज़ में अब आपके ऊपर, आपके लक के ऊपर है कि आप वो 60% में आते हैं या 40% में आते हैं, तो इट्स कोर रिस्क। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मैं भी ऑर्डर कर दूं वहाँ से, अभी मुझे उनका कोई रिस्पांस तो आया नहीं कि एज ए यूट्यूबर मुझे मिल जाए, क्योंकि हमारा चैनल भी अभी बड़ा नहीं है। ये भी मेरी एक, अब क्या कर सकता हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट टू ग्रो दिस चैनल, बट अभी स्पीड इतनी कम है, अभी हम 10,000 भी नहीं पहुँचे। तो जब मैं ऐसे रिव्यू यूनिट डिमांड करता हूँ तो वो कहते हैं 4-5 हज़ार तो सब्सक्राइबर हैं यार तेरा, तो वो एक फैक्टर है, उसकी वजह से मैं ज़्यादा अनबॉक्सिंग नहीं कर पाता, और जो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं वो मैं ख़रीदता हूँ तो वही दिखा पाता हूँ आपको। और चाहता तो मैं हूँ कि आपके पास काफ़ी वैरायटी ऑफ ड्रोन्स आपको अनबॉक्स कर सकूँ, बट लेट्स सी क्या अब आगे सिचुएशन आती है, चैनल का फ्यूचर कैसा होता है। तो अगर कुछ हुआ जुगाड़ तो डेफिनेटली क्या पता बूस्ट मिल जाए चैनल को, और देन अब कुछ और ही बात होगी। और ड्रोन शॉट्स का भी मैं प्लान करता हूँ, बट आप देखिए यहाँ चंडीगढ़ में बैन हुआ टेम्परेरीली, तो वो भी मैं सोचता रहता हूँ कि अभी सब उसका यूआई नंबर वगैरह सब लीगलाइजेशन है, तो आपको ड्रोन शॉट्स भी तरह तरह के देखने को मिलेंगे, तब आई थिंक थोड़ा और बूस्ट मिलेगा चैनल। तो ये अलग अपनी पर्सनल बात मैंने बोल दी, जस्ट शेयरिंग विद यू माई सब्सक्राइबर्स, यू आर लाइक माई फैमिली, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे मन में चलता है। तो आई स्टिल थिंक माई चैनल इज़ वेरी स्मॉल एट प्रेजेंट एज कम्पेयर टू अदर्स कैटेगरी, क्योंकि अभी नई है मेरी आई थिंक, और मे बी फ्यूचर में आने वाले टाइम में क्रेज़ बढ़ जाए, और काफ़ी कुछ सीख लिया मैंने यूट्यूब का, तो वो मैं एप्लीकेबल कर रहा हूँ अपने दूसरे चैनल्स पे भी। तो अब जैसे मेरा हेल्थ चैनल था वो इस चैनल की मदद से मैंने अराउंड 15 to 20 days में 100 सब्सक्राइबर्स के पार कर लिया, और इस चैनल के में 100 करने में मुझे 3-4 महीने लग गए थे। तो यू सी जैसे आप कुछ करते हैं तो इट इज़ जस्ट लाइक ए आपके लिए मोटिवेशन भी हो सकती है कि YouTube पे अगर आप जब टाइम बिताते हो तो आप काफ़ी कुछ सीखते हो। अब काफ़ी कुछ मुझे पता लग गया कि किस तरह से चैनल चलता है, तो वो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने नए चैनल्स में। तो उन नए चैनल्स में थे मेरा ये जो चैनल है हेल्थ दोस्त, वो थोड़ा अच्छे लेवल पे चल रहा है अभी, आई थिंक मे बी हेल्थ कॉन्शियस लोग ज़्यादा हैं, तो लेट्स सी उसका क्या फ्यूचर बनता है। सो देर अगर आपने नहीं देखा तो यू कैन विजिट, हेल्थ दोस्त है नाम उसका, और 1 week अभी मैं एक वीडियो डालता हूँ उस पर, क्योंकि काफ़ी इधर भी मेरे चैनल काफ़ी वीडियोज़ इधर आते हैं मेरे ड्रोन टैग पे, तो उधर मैं एक वीडियो ज़रूर देता हूँ। और एक मैंने बीच में एक और डील दोस्त शुरू किया हुआ है, वो कंज्यूमर्स के लिए बेसिकली उस पर डील्स और अनबॉक्सिंग की कोशिश करता हूँ, उसमें अभी छोटे प्रोडक्ट्स ला रहा हूँ, वो भी मैं हफ्ते में 1-2 वीडियो उस पर डाल देता हूँ। तो वो अभी स्लो है, आई थिंक प्रोडक्ट्स अच्छे आएंगे तो वो भी अच्छा हो जाएगा, तो ये जस्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज़ कि जो विदाउट कैमरा क्वाडकॉप्टर टॉयज़ हैं वो आप मंगाते हैं तो वो आपके पास काफ़ी अच्छे चांस हैं पहुंचने के सेफली विदाउट एनी कस्टम ड्यूटी। नंबर 2, जो बिगिनर ड्रोन्स हैं जैसे टैक्टिक एयर मैंने कल बताया, ज़्यादा महंगे नहीं है, 720p वाले कैमरे वाले, वो भी चांसेस हैं आपके पास पहुंच जाए, लेकिन चांसेस हैं 60% आपके पास पहुंच जाए, 40% चांसेस है कि वो कन्विस्टिगेट हो जाए। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, कंक्लूजन कई बार लोग शुरू वाला पोर्शन देख के ले लेते हैं या टाइटल पढ़ के कह देते हैं। कल मैं दिखा रहा था, कई बंदे कह रहे हैं कि आप कह रहे हो टैक्टिक वीडियो वो ड्रोन ले लो क्या, आप इम्पोर्ट अलाउ हो गया। मैंने कहा आप मेरा वीडियो पूरे देखें, मैं यही कह रहा हूँ कि अभी इम्पोर्ट अलाउ नहीं है, अपने रिस्क पे आप मंगाना हो तो मंगा लें। तो पूरा वीडियो पूरा ज़रूर देखा करें, और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर अच्छे से समझ के फिर कमेंट्स करें प्लीज़, इट्स माई दरख्वास्त है, ठीक। तो कंक्लूजन आपके सामने आ गया, और DJI का किसी का भी ड्रोन अभी तक इम्पोर्ट कोई भी गलती से ना करे, क्योंकि DJI का ड्रोन अगर आपने इम्पोर्ट कर लिया वो 100% फंसेगा। तो 2 केसेस में थोड़ी सक्सेस मिल रही है, क्वाड कैप्टर विदाउट कैमरा में काफ़ी सक्सेस है, और जो 720p के बिगिनर ड्रोन है वो अगर आप मंगाते हैं तो उसमें 60-40 है। तो यही मैं आज आपको बताना चाहता था, यही मेरी कैलकुलेशन है, एंड दिस इज़ कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल्स आई गेट, ऑन द बेसिस ऑफ कमेंट्स आई गेट फ्रॉम द ऑडियंस, जो देखते हैं हमारे वीडियोस वो बताते हैं मेरे साथ शेयर करते हैं, तो वो मैंने उसके हिसाब से स्टैट्स लगा के आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ये हमारे ऑक्सीजन है लाइक्स, और कमेंट ज़रूर करें आप क्या सोचते हैं आपकी सिचुएशन के बारे में।
ज़रूर कमेंट करें, और कमेंट से भी यूट्यूब समझता है कि कुछ अच्छी डिस्कशन हो रही है। और आने वाले टाइम में एक आपसे आपको एक बताने वाला हूँ कि मैं ई बुक एक बनाने वाला हूँ, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रोन, काफ़ी नॉलेज गेन किया तो शेयर करें एज ए फॉर्म ऑफ ई बुक। तो ज़रूर बताइए आपके सुझाव ऑन ई बुक, इस पे अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, तब अच्छे से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। जय माता दी।